लीलाधर जगोड़ी को 2018 के लिए व्यास सम्मान मिला है। हाल ही में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हाल ही में जो पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है या व्यास सम्मान है, साहित्य अकादमी सम्मान है, उनसे सम्मानित रचनाओं से संबंधित या रचनाकार से संबंधित प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जाता है। लीलाधर जगोड़ी को मिला है 2018 के लिए व्यास सम्मान। ये आज नहीं मिला है, पहले मिला हुआ है, लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए कि इसको कौन सी रचना के लिए ये पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। प्रसिद्ध लेखक एवं कवि पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के लेखक व कवि को अखिल भारतीय बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान साहित्य के अग्रदूत लीलाधर जगुड़ी को 2013 में प्रकाशित उनका उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतना प्रेम के लिए दिया गया है। यानी 2018 का जो व्यास सम्मान है वो लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतना प्रेम रचना के लिए, यानी ये कविता संग्रह है इनका, इसके लिए दिया गया है। लीलाधर जगुड़ी को वर्ष 2018 के लिए 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा व्यास सम्मान था। 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित हुआ है। इसमें व्यास सम्मान के तहत 4 लाख रुपये की नगद राशि जो है वो दी जाती है। ये 79 वर्षीय लीलाधर जगुड़ी के 15 काव्य संग्रह अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। और लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1 जुलाई 1940 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इससे संबंधित ये रचनाएं भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ष 2004 में इन्हें पद्मश्री मिला। सन 1997 में अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला हुआ है। ये भी कविता संग्रह है, अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको सन 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। और पश्चिम बंगाल से सतदल पुरस्कार दिया जाता है, वो भी इनको मिला हुआ है। और ओडिशा के एक विश्वविद्यालय ने गंगा नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी इनको किया है। उत्तराखंड से गौरव सम्मान, रघुवीर। इनके काव्य संग्रह शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इनका बहुत प्रसिद्ध जो बार बार पूछा जाता है, नाटक जारी है कविता संग्रह है, जिसका प्रश्न यूजीसी नेट में तो बहुत बार पूछा हुआ है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, ये भी इनका पूछा जाता है, रात अब भी मौजूद है, ये भी इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है। पृथ्वी बची हुई है, घबराए हुए शब्द बह भी सकती है, अनुभव के आकाश में चांद, ये 1997 में इनको साहित्य अकादमी इसके लिए मिला हुआ है। इसके अलावा महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये भी इनका साहित्य, ये भी इनका जो है एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। व्यास पुरस्कार लेखक को पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित रचनाओं के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार है, पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था और के बिड़ला फाउंडेशन के तहत जो है ये पुरस्कार मिलता है। हाल ही में इसमें 4 लाख रुपए की नगद राशि जो है वो दी जाती है। और ज्ञानपीठ के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान जो है वो इन माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार रामविलास शर्मा को मिला था और उनकी रचना थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये आलोचनात्मक कृति के लिए रामविलास शर्मा को 1991 में मिला हुआ है। 1917 में ममता कालिया को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए मिला है। और ये 28वां व्यास सम्मान 2018 में लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतना प्रेम के लिए मिला है। तो ये एक मुख्य सूचना थी और इससे संबंधित प्रश्न भी जो है वो हाल ही में होने वाली परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ, तब तक बाय।